अनन्तञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। लाइट नहीं जलाने। प्रिय श्रोतागण, महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने एक बात कही है, धर्म एव हतोहंति धर्म रक्षति रक्षितः। मरा हुआ धर्म अर्थात जिस धर्म को हम मार देते हैं वह हमें मार देता है, और जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। इस पर मैंने विचार किया कि मरा हुआ धर्म कैसे हमारी रक्षा कैसे हमें मारता है और रक्षित धर्म कैसे रक्षा करता है। प्रायः सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति धर्मात्मा है फिर भी दुखी है। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है फिर भी यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, जबकि जो देश धर्म को नहीं मानते अथवा इस्लामिक देश हैं, ईसाई देश हैं, यहूदी देश हैं, जब मांसाहार बहुत ज़्यादा है, हिंसा बहुत अधिक है, जहाँ यौन उच्छृंखलता है अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं है, कामुकता बहुत है, खुलापन है, ये सब पाप होते हुए वो देश आगे बढ़ रहे हैं और हमारा धर्म प्रधान देश पीछे जा रहा है, ऐसा प्राय हम लोगों से सुनते हैं। मैंने इस पर विचार किया तो ऐसा लगता है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि धर्म किसको कहते हैं। जब इस बात की जानकारी नहीं होगी तो हम इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे कि मरा हुआ धर्म कैसे हमें नष्ट करता है, कैसे किसी देश को नष्ट करता है। शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में धर्म के अनेक लक्षण हैं। भगवान मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए, कृष्ण भगवान ने महाभारत में 7 लक्षण बताए, भीष्म पितामह ने महाभारत में 3 लक्षण बताए। 3 लक्षण, 7 लक्षण, देवराज इंद्र ने महाभारत में 1 ही लक्षण बताया। यह प्रश्न उठता है कि अलग अलग ऋषियों के मत में लक्षण अलग अलग क्यों, ऐसा नहीं है। जो 10 लक्षण है वही भगवान कृष्ण के 7 लक्षणों में समाहित हो जाते हैं, और जो 7 लक्षण है वही भीष्म पितामह के 3 लक्षणों में समाहित हो जाते हैं, और जो 3 लक्षण है वो देवराज इंद्र के 1 लक्षण में समाहित हो जाता है। तो धर्म का जो मुख्य स्वरूप है, जो मुख्य लक्षण है, उनमें से 2 बहुत बड़े लक्षण हैं जो महर्षि पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में, योग के साधनों में भी जिनको मिला यम के अंतर्गत, पहला अहिंसा और दूसरा सत्य। अहिंसा के लिए महाभारत में लगभग 4 बार आया है अहिंसा परमो धर्म, और सत्य के विषय में वाल्मीकि रामायण में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं, सत्यमेव ईश्वरो लोके, लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है, अर्थात सत्य ही सबका नियंत्रक है। भीष्म पितामह ने महाभारत में शांति पर्व में कहा, सत्यम सत्सु सदा धर्म, सत्यम धर्म सनातन,
सत्यमेव नमस्येत, सत्यम ही परमा गति ही, सत्यम धर्म तपो योग, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञ पर प्रोक्त सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य धर्म है, सत्य तप है, सत्य योग है, सत्य परम गति है, सत्य सनातन धर्म है। उपनिषद ने भी कहा नहीं सत्यात परो धर्म नान्यतात पातकम परम। और भीष्म पितामह ने सत्य के 13 विभाग किए हैं, उनकी चर्चा हम न करके केवल एक नाम सत्य पर आते हैं। एक जो लक्षण है धर्म है, एक जो परम धर्म है अहिंसा और सत्य, उनमें से एक सत्य पर आज विचार करते हैं। अगर महर्षि भगवान व्यास लिखते हैं कि मरा हुआ धर्म हमें मार देता है, इसका अर्थ हुआ कि अगर हम सत्य को मारते हैं तो सत्य हमें मार देता है। जिस राष्ट्र में सत्य का जितना अधिक पालन होता है वह राष्ट्र उतना अधिक उन्नत होता है, और जिस राष्ट्र में असत्य जितना फूलता फलता है वह राष्ट्र उतना ही अधिक शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। अधर्म कई प्रकार का, अधर्म के कई लक्षण हैं, जैसे धर्म के कई लक्षण हैं वैसे अधर्म के भी उसके विपरीत सब अधर्म है। सत्य धर्म है तो असत्य अधर्म है, अहिंसा धर्म है तो हिंसा धर्म अधर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है तो लंपटता कामुकता अधर्म है। तो हमारे देश में हिंसा ठीक है, उन लोगों से कम मांसाहार है, उन लोगों से कामुकता कम है या छिपी हुई आंख खुली है या कम भी मान लें, पर मैं जहां तक देख रहा हूं झूठ बोलना हमारे देश में अधिक है। यूरोप अमेरिका जापान आदि देशों में लोग अपने देश के लिए शायद देशभक्त होंगे, वे सत्य बोलते होंगे, अपने कानून संविधान का पालन करते होंगे, सरकारी कार्यालयों में ईमानदारी से अपना कार्य करते होंगे, किसान श्रमिक उद्योगपति सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते होंगे। हिंसा की तरंगें वहां हैं, हर जगह मांस मछली अंडे, कामुकता की तरंगें हैं यहां भी है, यहां चौगम चुपचाप होते वहां खुले होते। लेकिन हमारे देश की मैं देखता हूं ऐसा नहीं कि वो देश बहुत सत्यवादी है, वहां झूठ कोई बोलता नहीं है, परंतु जैसा मैंने सुना है वे अपने देश के कानून का ईमानदारी से पालन करते हैं। मुझे किसी ने बताया कि बेल्जियम में दुकानदार होता ही नहीं, अपने आप सामान लेके और तोल के पैसा रख के चले जाते। एक समय हमारा प्यारा भारत था जब मेगास्थनीज की यात्रा, होयसांग की यात्रा, फायन की यात्रा, उनके विवरण को पढ़ते हैं तो कहते हैं भारत में कोई भी झूठ बोलते नहीं देखा, बाजार में सामान खुला पड़ा रहता है, कोई चोरी नहीं करता है, कोई बेईमानी नहीं करता है, गांव की पंचायतों में कोई अन्याय नहीं करता है, घरों में ताले नहीं होते हैं, ये स्वर्ग था। सिरोही महाराजा ने बताया कि वो ईरान गए तो वहां तेहरान में वहां भी ताले नहीं लगे थे दिन में, और सोने चांदी जेवरात की दुकान थी, ताला नहीं था, खुला छोड़ के नमाज पढ़ने चला गया दुकानदार। तो ये इस मात्रा में तो वहां धर्म है। हमारे देश में अगर सोने चांदी की दुकान खुला छोड़ के चला या आधा घंटे के लिए कोई नमाज पढ़ने के लिए, कोई मंदिर जाने के लिए, कोई संध्या करने के लिए, तो वहां क्या मिलेगा? किन्हीं देशों में
बस कंप्यूटर से पैसा बता देगा, तोल के अपने आप पैसा रख जाएगा, यहाँ हो तो क्या होगा, कंप्यूटर भी ले जाए और दुकान का सामान भी उठा ले जाए, और कुछ दिन नहीं आवे तो दुकान पर कब्जा भी कर ले। तो ऐसा लगता है कि झूठ की तरंगें हमारे बहुत ज्यादा हैं, झूठ बहुत बोला जाता है, इसलिए हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। वहां कोई और पाप है, हमारे कोई दूसरा पाप है। सत्य बोलना और हिंसा अहिंसा व्रति होना, ये दो सबसे बड़े धर्म के लक्षण हैं। तो सत्य कहते किसको हैं? महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा उसका जो भाष्य है, महर्षि व्यास जी महाराज ने किया, उसमें उन्होंने सत्य के बारे में सत्य की व्याख्या करते हुए लिखा, जैसा आत्मा में है वैसा मन में हो, और जैसा मन में है वैसा वाणी में हो, और जैसा वाणी में वैसा कर्म में भी हो, और इसके साथ एक और शर्त जोड़ दी, यह सब किस लिए हो? सब भूतों के हित के लिए हो, सब प्राणियों के हित के लिए हो। जो भी मैं सत्य बोलूं वो किसी भी प्राणी का अहित करने वाला न हो। अहित करने वाला रुचि के प्रतिकूल हो सकता है, चोर को मृत्यु दंड भी दिला सकता है, लेकिन अहित नहीं करता किसी का। अपराधी को दंड देना ही लोकहित में है और उस अपराधी के हित में भी है, ताकि मृत्युदंड पा करके वो आगे पाप पड़ने से बच जाएगा, नहीं तो और उसके पाप बढ़ते रहेंगे, और दूसरे लोग उसके अपराध के शिकार नहीं होंगे, इसलिए वो वे उनकी जो पीड़ा बचेगी, उनका जो दर्द बचेगा, उसका श्रेय भी सत्य बोलने वाले को मिलेगा। तो सत्य बोले लेकिन सर्वहित के लिए बोले, किसी के लिए अहित के लिए न बोले, ऐसा महर्षि व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है। इसको न जान करके सत्य की बहुत गलत व्याख्या लोग कर देते हैं कई बार, और वह सत्य मन से होवे, वाणी से होवे, कर्म से होवे, और सत्य की परिभाषा बता रही, आत्मा मन और बुद्धि वाणी कर्म सब में एक लय हो। आत्मा में कुछ है, आत्मा तक कोई पहुंचता नहीं है, आत्मा तक तो आत्मज्ञान ही पहुंचता है, ध्यान ही पहुंचता है, लेकिन मन में क्या है यह हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कर्म करते समय उसे एक ऐसा लगता है कि ये मत कर, ये गलत है, ये परमात्मा की आवाज है, इसके विपरीत बोलना भी अधर्म है। वो भी आत्मा, एक आत्मा, आत्मा के दो अर्थ हैं, एक परमात्मा और एक स्वयं करने वाला। तो परमात्मा की आवाज, करने वाला आत्मा, बुद्धि मन उसके सहायक, वाणी और हाथ पैर आदि, इन सब में एक लय होनी चाहिए। यह प्रश्न उठता है कि मैं अगर झूठ बोलूं तो उससे राष्ट्र का नाश कैसे हो रहा है, उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है? आजकल विज्ञान के नाम पर कुतर्क करने वाले बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे विरुद्ध भी वीडियो बनाते हैं, वे सत्य के वैज्ञानिक आधार को सब जब समझेंगे, जब वो भौतिकी को गहराई से समझ पाएंगे, और भौतिकी समाप्त हो जाएगी वहां फिलोसॉफी को समझेंगे, या फिलोसॉफी समाप्त हो जाएगी वहां वैदिक भौतिकी को समझेंगे, और वैदिक भौतिकी समाप्त हो जाएगी वहां वैदिक अध्यात्म विज्ञान को समझेंगे, वह सत्य के वैज्ञानिक स्वरूप को समझ पाए। जरा सोचिए, हम जब बोलते हैं तो क्या क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर, इसको समझना जरूरी है।
जब हम कुछ उच्चारण करने वाले होते हैं तो आत्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रियों वाणी को प्रेरित करती है, वाणी बोलती है और हम करने से बोलते हैं, कर्मों से बोलते हैं, तो आत्मा बुद्धि को प्रेरित करती है, बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन हमारे कर्म इंद्रियों को प्रेरित करती है, फिर हम कर्म करते हैं। वेद कहता है कर्म से बोलें। अच्छा, बोल तो हम सत्य रहे, सत्य क्या बोल रहे हैं? सम्मानित व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं वाणी से, और सिर से उसके सिर में, हाथ से सिर में उसके डंडा मारो तो क्या सत्य हुआ? वाणी से भी सत्य और कर्म से भी सत्य, कर्म से भी सम्मान करें तो सत्य हुआ। वाणी से सम्मान, एक हमारे गांव में एक ऐसे सज्जन थे, उनको सुनाई नहीं देता था, तो कुछ शरारती बच्चे क्या करते, ऐसे हाथ करके उनको और गाली देते थे, तो वो सोचते कि ये नमस्ते कर रहा है, वो कह रहे खुश रहो बेटे खुश रहो, तो हाथ तो उनका नमस्कार कर रहा है और वाणी गाली दे रही है। वैसे ही अगर हम वाणी से नमस्कार करें और मन में बुरा सोचें, मन से गाली दें या कर्म से उनका बुरा कर दें, तो वो सत्य सत्य नहीं है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा कि आत्मा बुद्धि मन वाणी कर्म इन सब में लयबद्धता हो, सुसंगति हो। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं बात। एक मन तो है जो हमारे शरीर के अंदर है, एक बुद्धि है जो हमारे शरीर के अंदर है, दोनों साधन है, लेकिन एक मन ऐसा है जो समूचे ब्रह्मांड में है, समूचा ब्रह्मांड जिसमें बस स्थित है। एक बुद्धि तत्व जिसको मैत कहते हैं वैदिक भाषा में, वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जब हम मन से असत्य बोलते हैं तो हमारा मन विकारग्रस्त होता है। खुद ही अनुभव करें आप, आपको सत्य बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, मन में बहुत सारी उलझने नहीं आती, मन में विकार नहीं आता, बनावट ही व्यवहार नहीं होता। झूठ बोलते हैं तो होता है, क्या होता है, ये देखते हैं कि सामने वाला ऐसा झूठ बोलूं कि पकड़ नहीं सके, तब वो ऐसा सोच सोच के झूठ बोलेगा, और सोच सोचने में क्या होगा कि मन विकृत होता जाएगा। वो विकृत हुआ मन हमारा जहां हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, वह जो मनस्तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है उसको भी विकृत करेगा। मैंने यहां से बोला, जैसे मैंने यहां से बोला, वाणी कंठ से बैखरी वाणी, बाकी अंदर रही वाणी, कंठ कंठ जब तक मेरे ओठों से बाहर नहीं गई वाणी, तब तक वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे मेरी आवाज बाहर निकली तो हर सुनने वाले को प्रभावित करेगी, मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, कटु वाणी बोल रहा हूं, मधुर वाणी बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं, हितकारी बोल रहा हूं, अहितकारी बोल रहा हूं, उन सबको प्रभावित करेगी जो मेरी वाणी के शब्दों के अर्थों को जानते हैं, और जो मेरी वाणी के शब्दों को नहीं जानते हैं, पशु पक्षी आदि, उनको ध्वनि तरंगे तो सुनाई देंगी, शब्द सुनाई देंगे, अर्थ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर वह वाणी असत्य है, अहितकारी है, कपट भरी है, छल भरी है, द्वेष भरी है, ईर्ष्या भरी है, क्रोध भरी है, तो वाणी इस प्रेशर के साथ इस मनस्तत्व को भी प्रभावित करेगी
जो मनस्तत्व सभी जगह व्याप्त है। मनस्तत्व क्या है? हमारी वीडियो में बहुत सुन सकते हैं, वेद विज्ञान आलोक की कक्षा है, उसमें मन का भी विषय है। फिर यहां बता देते हैं संक्षेप में, आज का फिजिक्स ये मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एटम से बना है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से बने हैं, और स्ट्रिंग वाले कहते हैं कि ये सब स्ट्रिंग से बना। स्पेस किससे बना ये किसी को पता नहीं, वक्र होता है, डिस्टॉर्ट होता है, कर्व होता है, क्या है ये नहीं मालूम। तो जिससे स्पेस बना है, जिससे स्पेस बना है वह प्राण तत्व, वह सूक्ष्म छंद रश्मियां, वह मर्द रश्मियां जो स्पेस को बनाती हैं, वे भी मन में ही उत्पन्न होती हैं। वे ही मनस्तत्व के अंदर उत्पन्न वाइब्रेशन है। संपूर्ण प्राण तत्व, संपूर्ण वाक तत्व, छंद रश्मियां, वाक रश्मियां, ये सारी मर्द रश्मियां, ये सब मनस्तत्व में होने वाली लहरें हैं, स्पंदन है, वाइब्रेशन है। तो हमारा बोला हुआ सत्य अथवा असत्य उस मनस्तत्व को प्रभावित करता है जिस मनस्तत्व से स्पेस भी बना है, जिस मनस्तत्व से स्ट्रिंग्स बनी हैं, जिस मनस्तत्व से क्वार्क बने हैं, जिस मनस्तत्व से एटम बने हैं, जिससे मॉलिक्यूल बने, जिससे संपूर्ण लोक लोकांतर सारी गैलेक्सीज बनी हैं, हमारे शरीर बने हैं, सबके शरीर बने हैं, वनस्पतियां बनी हैं। तो जब झूठ बोलेंगे और दूसरे के अहितकारी बोलेंगे, हिंसक बात बोलेंगे, कड़वी बात बोलेंगे, ईर्ष्या द्वेष आदि, तो हमारे मन का जो विकार है, जो हमारे मन का डिस्टॉर्शन है, वो संपूर्ण जहां भी मनस्तत्व है उसको कमोवेश प्रभावित करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुए, अभी रिटायर्ड हैं, वो प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, मेडिफिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी मैत्री रखते हैं। उन्होंने चार पुस्तकें अहिंसा पर लिखी, साकार पर लिखी कि मांसाहार से क्या क्या होता है। उन्होंने लिखा है कि किसी जानवर को मारने से जो पेन वेव उत्पन्न होती है, वो केवल मुझे ही प्रभावित नहीं करेगी, जिसकी जिसको मारूंगा उसे ही प्रभावित नहीं करेगी। पेन वेव बहुत तीव्र गति से चलते हुए गैलेक्सियों को प्रभावित करती है, दूसरी गैलेक्सियों तक भी जाती है। मेरे विचार में पेन वेव लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज चलेगी। तो वो पेन वेव, दर्द की वेव, पीड़ा की वेव, वेदना की वेव, शोक की वेव, जब दूर गैलेक्सियों को प्रभावित करती है तो हिंसा के रूप में, दूसरों का अहित करने के लिए, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, आत्म प्रशंसा के कारण, निंदा के कारण, किसी को ठगने के कारण, ठगने के लिए, किसी साथ विश्वासघात करने के लिए मैं अगर झूठ बोलता हूं तो उससे जो मेरे मन में मेरे मन से जो तरंग उत्पन्न होंगी मिथ्या की, झूठ की, सुदूर गैलेक्सियों तक जाएंगे और उनको भी प्रभावित करेंगे। लगता बड़ा विचित्र है। आज आप अपने आत्मा में झांकिए, पूछिए, 24 घंटे में सोने के अलावा जो समय बचता है उतने घंटे में आप कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार मन में ये आता है कि मैं ये झूठ बोल के ये काम कर लूं, मैं इस प्रकार से ठग लूं। तो आप सोचेंगे कि बहुत बार आता है। तो क्या हमारा देश
उन जिनको हम कामी मानते हैं, जिनको हम मांसाहारी मानते हैं, वहां के नागरिकों की अपेक्षा क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या श्रमकारी कर्मचारी, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या छोटा व्यापारी, क्या बड़ा उद्योगपति, क्या राजनेता, क्या अभिनेता, क्या खिलाड़ी और धर्मगुरु जो सत्य पर भाषण दे रहा है, सत्य की बढ़िया बढ़िया व्याख्या कर रहा है, व्याकरण से, निरुक्त से, कहानियों से, वेदों के प्रमाणों से, उस सत्य की व्याख्या में कितनी झूठ बोलता है? अर्थात इस अभागे देश में जो देश सत्यवादियों का देश था, जो देश आर्यों का, श्रेष्ठों का देश था, आर्य कोई जाति नहीं, श्रेष्ठ वेदानुगामी शुद्ध आचरण वाले, पवित्र आचरण वाले धर्मात्मा लोग, वैज्ञानिक लोग, योगी लोग, उन लोगों का, उन पूर्वजों का यह देश आज यहां का लगता हर नागरिक झूठ बोलता है। मेरा स्वभाव रहा, मैं बचपन से झूठ नहीं बोलता था, झूठ बोलने के लिए दबाव तो भी नहीं बोलता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग झूठ कैसे बोलते हैं। उनका आत्मा, उनको, उनका अंदर बैठा परमात्मा, उनको क्या अधिकार तो नहीं? कुछ लोग कहते हैं व्यापार झूठ से नहीं चलता, कुछ लोग कहते हैं सांसारिक व्यवहार झूठ से नहीं चलता है, गृहस्थी झूठ बिना नहीं चलती, झूठ के बिना नहीं चलती है, व्यापार झूठ के बिना नहीं चलता है, दूध बेचने वाला झूठ बोलता है, सोना बेचने वाला झूठ बोलता है, सामान अनाज बेचने वाला झूठ बोलता है, सब्जी बेचने वाला झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। और नेता रोज झूठ बोलते हैं, चुनाव में देखो तो झूठ की पराकाष्ठा हो जाती है। और आज एक वैश्विक झूठ बोला जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोला जा रहा है, वो भारत की, वो दुनिया की बात कर रहा हूं, कोरोना के नाम से झूठ। कल्पना कीजिए, एक हार्ट का रोगी है, हृदय रोग से कोई मर गया, उसको बुखार भी था, तो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु किससे हुई? लिखेंगे बुखार से हुई कि हार्ट अटैक से हुई? हार्ट अटैक से हुई ये लिखेंगे। कोई रोगी टीबी का मर गया तो उसको लिखेंगे टीबी से मरा या बुखार से मरा, खांसी से मरा, बोलिए? ये लिखेंगे टीबी से मरा। कोई रोगी कैंसर से मरा और कैंसर में दर्द भी हो रहा था तो क्या ये लिखेंगे? दर्द से मरा, ये कहेंगे कैंसर से मरा। एक रोगी डायबिटीज से मरा और डायबिटीज में गुर्दे भी फेल हुए और भी समस्या हुई तो कहेंगे डायबिटीज से मरा। लेकिन जुकाम जो साधारण फ्लू जैसा, वो जब मरता है तो हार्ट अटैक से मरता है तो भी कोरोना, डायबिटीज से मरता है तो भी कोरोना, कैंसर से मरता है तो भी कोरोना, और टीबी से मरता है तो भी कोरोना, अस्थमा से मरता है तो भी कोरोना, नशे से मरता है तो भी कोरोना। इस झूठ में कौन कौन भागीदार है? और यह झूठ मोबाइल में सुनाई जा रहा है, सावधान, थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कई झूठ नहीं है क्या? WHO झूठ नहीं बोल रहा है क्या? डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री सारे झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या? वास्तव में ऐसा रोग है जिसको महामारी कहा जाए, जो जिसकी कह रहे हैं कि कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब अमिताभ बच्चन आ गए सामने, नए नए नेता आ रहे हैं, नए नए बच्चन आते हैं, ये कह रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अरे आप ये बताइए, जब दवाई नहीं तो रोगी ठीक कैसे हो रहे हैं? बिना दवाई के जिस रोग से ठीक हो जाते हों उस रोग को महामारी कहेंगे, और जो दवाई करते करते जिन रोगों से ठीक नहीं होते उनको कोई नाम नहीं। आज हार्ट अटैक का कोई नाम नहीं ले रहा, गुर्दे का कोई नाम ले रहा, टीबी का नाम नहीं ले रहे, डायबिटीज का नाम नहीं ले रहे, कहां कैंसर का नाम नहीं ले रहे, कहां गए ये रोग सारे? सब कोरोना के खाते में। कौन झूठ बोल रहा है? झूठ बोलने वाला स्रोत कौन है? कुछ जान के झूठ बोल रहे हैं, कुछ अनजाने में झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोभ से झूठ बोल रहे हैं, कुछ किसी
दुष्ट प्रयोजन के लिए झूठ बोल रहे हैं, कुछ जनता के विनाश के लिए झूठ बोल रहे हैं, कुछ देश के विनाश या दुनिया के विनाश के लिए झूठ बोल रहे हैं। कभी सोचा आपने? बहुत बीमारियां आई, आज चीन हमारे बॉर्डर पर है, कभी भी युद्ध हो सकता है, एटॉमिक युद्ध भी हो सकता है, लेकिन उसकी खबरें बहुत कम है। कोरोना की खबरें ज्यादा। जो देश साधारण फ्लू से डर के घर बैठ गया हो, लॉकडाउन हो गया, वो देश चीन से कैसे लड़ेगा, जरा सोचिए। और लड़ेगा भी तो सेना लड़ेगी, और सेना के साथ जनता का कैसे समर्थन होगा। आज हम आपस में मिल नहीं सकते। कोई ये बताए कि मास्क लगाने से प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? ईमानदारी से बताए कोई डॉक्टर, वो कहेगा घटेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। फिर भी झूठ बोला जा रहा है, फिर भी मास्क पहना जा रहा है। नॉर्वे की कंपनी ने सर्वे किया कि लॉकडाउन से घरों की वायु दूषित हो गई है, 38 लाख प्रतिवर्ष मरेंगे केवल लॉकडाउन के कारण, फिर भी लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल बर्बाद, बेरोजगार बर्बाद, प्राइवेट कर्मचारी बर्बाद, किसान बर्बाद, व्यापारी बर्बाद, ग्रामीण विद्यार्थी बर्बाद। शहर के विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़े, ग्रामीणों को क्या होगा, ग्रामीण बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों के विनाश का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया हमारी सरकार ने, कौन करवा रहा है? तो आज तो संपूर्ण विश्व का नहीं, मैं ब्रह्मांड का मनस्तत्व इतना विक्षुब्ध है कि उसका भविष्य में परिणाम कैसा होगा हम सोच सकते हैं। आज हम देखते हैं कैलिफोर्निया की आग, अमेरिका जो सबसे बड़ी महाशक्ति बनता है, जो धनी लोग सोच रहे हैं दुनिया पर शासन कर लें, सुनते हुए कुछ लोग मनुष्य का खून भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, कौन है मैं नहीं जानता। वे सोच रहे हैं एक विश्व एक सरकार, ऐसे हिंसक नरपिशाच अगर दुनिया पर शासन करना चाहें तो उनके मन से निकलने वाली तरंगे इस विश्व का क्या करेंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। मनस्तत्व कितना डिस्टर्ट होगा, कितना विक्षुब्ध होगा। जब मनस्तत्व डिस्टर्ट होगा तो स्पेस भी विक्षुब्ध होगा, स्पेस विक्षुब्ध होगा तो यहां के पार्टिकल रेडिएशन भी विक्षुब्ध होगा, उनका व्यवहार बदलेगा। इतना नहीं बदलेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी उसको पकड़ सके। क्या व्यवहार नहीं बदला? श्री राम के राज्य में सुनते हैं जब चाहते थे वर्षा होती थी, कहीं बाढ़ अकाल सूखा के तो प्रश्न ही नहीं है। बहुत विशाल वृक्ष होते थे, मनुष्य और जानवर विशाल आकार के होते थे, स्वस्थ होते थे, दीर्घायु होते थे, बहुत बुद्धिमान पवित्र हुआ करते थे, वो सब कहां चला गया? जगह जगह वन में जाते, नदी सरोवर मिलते थे, पीने का पवित्र जल मिलता था, आज कहां है जिसका पानी पी सके? ऊपर तो छोड़िए, अंदर भी भूमिगत जल भी अशुद्ध हो गया, प्रदूषित हो गया है। विश्व में कहीं ऐसा वायुमंडल का भाग नहीं जहां विशुद्ध वायु हो। कई कई जगह बड़े महानगरों में दुनिया में ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन लेकर चलना पड़ रहा है, ऑक्सीजन बार बार हमें ऑक्सीजन चाहिए बाहर की। भोजन में से पोषकता कम हो रही है, तो पोषकता भी कम हुई है जानबूझकर हो रहा है। पोषकता कम करो केमिकल डाल के, और फिर पोषकता के लिए फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट बेचो। इधर केमिकल का व्यापार और फूड सप्लीमेंट कम हो जाए अनाज में, सब्जियों में, फलों में, तो फूड सप्लीमेंट का व्यापार। ये सब झूठ हो रहा है, ये सब हिंसा हो रही है। हमारा मन प्रदूषित है, हमारा स्पेस प्रदूषित है, अंदर का नहीं है बाहर ब्रह्मांड का गर्व। हमारे रेडिएशन प्रदूषित हैं, ओजोन छीज रही है, हमारा अणु ये भी विक्षुब्ध है। इसी के कारण
पर्यावरण असंतुलित है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रेडिएशन का प्रदूषण हम मोबाइल तरंगों, रेडियो तरंगों इनसे कर रहे हैं, और कई कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। मैं अब झूठ तक ही सीमित रहूंगा। वायुमंडल को, पृथ्वी को, जल को, स्पेस को, सबको विक्षुब्ध करने में एक बहुत बड़ी भूमिका झूठ की भी है। झूठ बोलने की है, झूठ सोचने की है, तदनुसार गलत काम करने की है। आज के मौसम वैज्ञानिक केवल यही जानते होंगे कि किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर, किस आर्द्रता पर वर्षा होगी, कैसे बादल बनते। मैं कोई मौसम विज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं संसार के मौसम वैज्ञानिक से पूछना चाहता हूं कि क्या बादल बनने में सूर्य से आने वाले रेडिएशंस की कोई भूमिका नहीं होती है? अगर नहीं होती है आपकी दृष्टि में, तो आप नोट कर लो मेरी बात, आप भविष्य में खोजेंगे कि उस सूर्य के आने वाले रेडिएशन की भी भूमिका होती है। वायुमंडल में जो पार्टिकल उनकी तो है, सूर्य के से आने वाले रेडिएशंस की भूमिका होती है। हमारा झूठ और हमारा सत्य दोनों संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं, बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है, सूर्य को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य पर होने वाली गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। निरुक्त में आता है 1000 प्रकार की रश्मियां सूर्य से आती हैं हम पर, हम तो केवल 7 रंगों को ही जानते हैं। कुछ आने वाले न्यूट्रिनो के बारे में जानते हैं, कुछ एक्सरेज के बारे में जानते हैं, कुछ अल्फा और बीटा किरणों के बारे में जानते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। 1000 प्रकार की तरंग रश्मियां लिखी हैं, वे कौन सी रश्मि है, कौन जानता है इसको? आज नहीं विज्ञान जानेगा, कल जानेगा, कल नहीं परसों जानेगा, 100 साल बाद जानेगा। नोट कर लें कि वर्षा होने को और न रोकने को, तूफानों को, ज्वालामुखी को, सुनामी को, जंगलों में आने वाली आग, लगने वाली अग्नि को, हिमपात को, भारी हिमपात, भूस्खलनों को, ग्लेशियरों के स्खलनों को प्रभावित करने में सबसे सूक्ष्म भूमिका ये रेडियो प्रदूषण और स्पेस डिस्टॉर्शन भी है, स्पेस का विक्षुब्ध होना भी है। कुछ लोग बच्चे इस पर प्रश्न करेंगे, मैं उन बच्चों को कहूंगा अभी थोड़ा पढ़ें, अभी धीरज रखें, मेरी बात को साइंस आज नहीं जानेगा तो 50 वर्ष बाद जानेगा कि स्पेस क्या होता है। हम तो आज भी बता सकते हैं, और स्पेस से भी बहुत सूक्ष्म है मन, जिस मन को मैं इरादे के पूर्वक झूठ बोलने से प्रभावित करता हूं। आज तो सब प्रभावित कर रहे हैं, कोरोना के नाम से इतना झूठ चल रहा है, व्यापार के नाम से चल रहा है, सब राजनीति के नाम से चल रहा है। जब चुनाव होता है, नेताओं के भाषण होते हैं, तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, पहले तो कभी कभी किसी के ठीक भी लगते थे, ऐसा लगता है कि सारा संसार पागल हो गया, सारे नेता पागल हो गए, जनता भी पागल हो गई, उनके भक्त होकर के झूठ, ईर्ष्या, आरोप प्रत्यारोप, बड़े बड़े वादे। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, वे मेरे बातों पर विचारें, क्या मैं जो कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं? अंधश्रद्धा छोड़िए, नेता के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के भी प्रति, क्यों कि स्पेस किसी एक का नहीं है, मनस्तत्व जो ब्रह्मांड में है वो किसी और किसी एक का नहीं है, सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाला है। और उस मनस्तत्व के विक्षुब्ध होने से, डिस्टॉर्शन से, विकृति से, हम सबके शरीर, हमारे जीएनए, जीन्स प्रभावित होने वाले हैं,
पशु पक्षी प्रभावित होने वाले हैं, यहाँ के समुद्र, यहाँ के पहाड़, यहाँ का भूगर्भ, यहाँ का सूर्य, यहाँ का चंद्र, ये सब प्रभावित होने वाले हैं, यहाँ का फल, अन्न, सब्जियाँ सब प्रभावित होने वाले हैं। यही कारण है कि कुछ ऐसी घटनाएं प्राकृतिक घट रही हैं जो विज्ञान का बड़ा बड़ा दंभ भरते हैं। वे उन घटनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। अनेक बड़े बड़े बम बनाने वाले देश क्या जंगलों की आग को कंट्रोल कर पा रहे हैं? ध्रुवों के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्या उनको रोक पा रहे हैं? क्या सुनामी को रोकने का किसी के पास कोई है साधन? क्या बड़े बड़े चक्रवात जो आते हैं अमेरिका में और देशों में, भारत में भी आने लग गए, वहां ज्यादा आते हैं, क्या उनको रोकने का कोई उपाय है? जो दुनिया पर शासन करने के सपने देख रहे हैं, झूठ बोल करके, सबको लूट करके, सारे देशों की सरकारों को मूर्ख बना करके, क्या उनमें कोई ऐसी ताकत है जो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकें, उनको नियंत्रित कर सकें, उनकी दिशाएं मोड़ सकें, समय पर इच्छा अनुसार वर्षा करा सकें, शुद्ध वर्षा करा सकें, सूर्य पर होने वाले अनावश्यक हमारे आने वाले रेडिएशन को रोक सकें? 2008 में या 9 में जयपुर में ऑयल डिपो में आग लगी, मुरली देवड़ा या पेट्रोलियम मंत्री थे भारत सरकार में, उनका वक्त भी मुझे याद है, कब तो हमें आग बुझने का इंतजार ही करना पड़ेगा, हम नहीं बुझा सकते। पेट्रोल में, पेट्रोलियम के भंडार में आग लगने को आप नहीं बुझा सकते। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 50 करोड़ जानवर मर गए, आप कुछ कर नहीं पाए। दुनिया के घमंडी लोग, अमेरिका तूफानों से घबरा गया, आग से घबरा गया, वे लोग फिर भी झूठ बोल रहे, फिर भी झूठ का व्यापार चल रहा है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को, जो भी विदेश में रहते, जो भी मेरी बात समझते हैं, समझ सकते हैं, मैं उनसे विनम्र अपील करता हूं, कि सत्य बोलने की ओर चले हम। असतो मा सद्गम एक प्रार्थना है, इसके इस प्रार्थना के खिलाफ भी कोर्ट में चले गए कि सांप्रदायिक है। जो प्रार्थना यह कह रही है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, वह भी सांप्रदायिक हो गई। अगर आपने सत्य बोलना सीख लिया, सत्य विचारना सीख लिया, सत्य सत्य का निर्णय करना सीख लिया, ऐसी आपकी विवेकनी बुद्धि हो जाए, तो फिर सत्य के सामने कोई संप्रदाय नहीं टिकता है, क्योंकि सत्य एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकते। सत्य वह है जो संसार नहीं, पृथ्वी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में सबके लिए एक जैसा हो। और यह भी याद रखिए, दुनिया में मनुष्य के अलावा सभी सत्य बोलते हैं। चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती, कुत्ता कभी झूठ नहीं बोलता, गाय कभी झूठ नहीं बोलती, गधे कभी झूठ नहीं बोलते। कोई कुत्ता अगर आपको देख के पूंछ हिला रहा है तो समझिए वो काटेगा नहीं, कभी विश्वासघात नहीं करेगा, झूठ नहीं करेगा। पूंछ हिला रहा है इसका मतलब आपकी खुशामद कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है। लेकिन मनुष्य ऐसा हो गया, चापलूसी करते हुए भी पीठ में छुरा भोंक देता है। क्या यही मनुष्यता है?
क्या इसलिए तुम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान बनते हो, इसलिए परमात्मा ने बुद्धि दी कि तुम झूठ बोल सको, लोगों से ईर्ष्या कर सको? कोई भी पशु अभिनय नहीं करता, अभिनय करके दिखाता नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि झूठ बोलने का उनके तो साधारण प्रयोग हैं। मैंने बीबीसी 19 जनवरी 98 को रात्रिकालीन सभा में जीवन और स्वास्थ्य कार्यक्रम आता था, उसमें बताया कि इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि अच्छा होने का मिथ्या ढोंग करने से कई रोग हो सकते हैं, इसलिए सहज स्वाभाविक रहना ही स्वास्थ्य का आधार है। अर्थात ढोंग करने से, अर्थात झूठ बोलने से कई रोग हो सकते हैं, इतना तो इन्होंने जाना। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको वो अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि उन्हें स्पेस की संरचना का ज्ञान नहीं है। स्पेस की संरचना का ज्ञान नहीं है तो रश्मियों की संरचना कैसे मालूम पड़ेगी, और रश्मियों की संरचना नहीं पता लगेगी तो मनस तत्व के बारे में क्या जाने। उन्हें तो अपने मस्तिष्क के अंदर माइंड क्या होता है इस पर भी विश्वास नहीं है, तो समष्टि मनस तत्व को कैसे समझेंगे। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि भारत देश क्यों पिछड़ा है, क्यों दुखी है, दुनिया क्यों दुखी है, बहुत सारे कारण है। अहिंसा, हिंसा भी बताएंगे अगली बार में कारण, आज असत्य कारण। कभी हमारा देश था, ये तो मेगास्थनी फायान वगैरह ये तो अभी यात्रा हुई है। भगवान श्री राम जी के समय में और पहले जाएं तो वहां तो ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी, कोई व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। आर्य समाज के बारे में हम सुनते हैं, आर्य समाज का शैशव काल बहुत स्वर्णिम रहा है। कहते हैं कोर्ट में, मैंने सुनी बात है, कोई प्रमाण नहीं दे सकता मैं, जज प्रमाण मानता था कि आर्य समाज ने कहा तो सत्य होगा, लेकिन उस आर्य समाज का भी क्या हो गया, ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ बेईमानी अहंकार, तब दूसरों में क्या है। अब सत्य क्या है, जैसा आत्मा में है ये बताया हमने, और महादेव जी ने सत्य के बारे में एक और एक लक्षण बताया, ब्रह्मा जी ने सत्य के बारे में ये कहा, सत्य वचना वचनम श्रेय सत्य ज्ञानम च दुष्करम, सत्य कहना श्रेयस्कर है लेकिन सत्य का ज्ञान बहुत कठिन है। कई बातें हम अनजाने में झूठ बोल देते हैं तो वो उतना अपराध नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम जानने का प्रयास न करें। अगर हम सही जान सकते हैं तो जानने का प्रयास करें, फिर जान करके ही बोलें। लेकिन हम जानने का ही प्रयास न करें कि क्या सत्य है, जानबूझ करके हम, महाभारत में महादेव भगवान शिव ने कहा है कि हे भगवती उमा, इस सृष्टि में दो प्रकार के कर्म हैं, एक वे हैं जो अनजाने में हो जाते हैं और एक वे हैं जो इरादे से जानकर किए जाते हैं। अनजाने में झूठ बोल गए ये अपराध नहीं है, इस अपराध को क्षमा किया जा सकता है, दान देने से, प्रायश्चित करने से और साधना आदि करने से इसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर झूठ बोला जाए, उद्देश्यपूर्वक झूठ, कुटिल उद्देश्यपूर्वक झूठ बोला जाए, किसी हानि के लिए झूठ बोला है, किसी की हानि के लिए, वो किसी भी प्रकार से उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, ये महादेव जी ने कहा। और महादेव जी ने कहा इसलिए मैं उस पर 100% नहीं 200% विश्वास करता हूं। और सत्य जानने के लिए वेद पढ़ना होगा, वेदादि शास्त्र पढ़ने होंगे, इस सृष्टि को समझना होगा, विज्ञान को पढ़ना होगा। कल्पना कीजिए, आप दाल और रोटी खा रहे
और कोई आपसे ये थोड़ा सा संकेत कर दे कि इस दाल में कहीं कोई कीड़ा हो सकता है जहरीला, तो क्या आप आंख बंद करके खा जाएंगे? कहीं कहीं जहरीला कीड़ा ना आ जाए तो दाल फेंकनी पड़े, ऐसा कौन मूर्ख होगा? यदि ऐसा कोई करता है तो निश्चित मूर्ख है, पाप का भागी है, कीड़ा खा के मरेगा। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि अगर यह संकेत भी मिल जाए कि यह गलत है तो तुरंत सोचे और सत्य को ही बोले, सत्य को ही करे, सत्य को ही माने। कुछ लोग कहते हैं हमने शास्त्र ही नहीं पढ़े, चाहे आप परंपराओं के नाम से झूठ बोल रहे हो, चाहे लोभवश झूठ बोल रहे हो, चाहे भयवश झूठ बोल रहे हो, चाहे किसी भी कारण झूठ बोल रहे हो, कारण जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका दंड है, और हमें तो ईश्वर देगा ही। लेकिन उस झूठ से जो संपूर्ण सृष्टि प्रभावित हो रही है, सूक्ष्म जगत प्रभावित हो रहा है, और सूक्ष्मतः स्थूल प्रभावित होता है। कैसे? हमारा शरीर है, उसमें शरीर के अंदर कोई भी आर्टरी या वेन, धमनी या सिरा बहुत पतली सी भी अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमारी मेरु रज्जू है, रीढ़ में से कशेरुका में से जा रही है, और उसकी एक छोटी सी नाड़ी दब जाए तो हमारा पैर काम नहीं करेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अर्थात सूक्ष्म वस्तु स्थूल को प्रभावित करती है। तो सूक्ष्म तत्व मन, हमारा बोला हुआ सूक्ष्म तरंग, मन की तरंग इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, भले ही वो प्रभाव बहुत छोटा क्यों न हो। अब बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा बोलने वाले, बहुत छोटा झूठ बोलने वाले इस दुनिया के 7-8 करोड़ लोग हों तो, और दिन में 24 घंटे बोलें तो क्या सोचते हैं हम स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ पर्यावरण हमें मिलता रहेगा? क्या समाज सुखी रहेगा? क्या समाज स्वस्थ रहेगा? क्या प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी? क्या वनस्पतियां स्वस्थ रहेंगी? क्या सूर्य हमें स्वस्थ रेडिएशन देगा, ठीक रेडिएशन देगा? अल्ट्रावायलेट बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, या वायुमंडल उनको एब्जॉर्ब कर लेगा? अगर आप ऐसा सोचते तो आप भ्रम में हैं। इसलिए आप समझें कि जो आपके वश में हैं उसे तो आप करें। आप किसी दूसरे को सत्य बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने को तो बाध्य कर सकते हैं, स्वयं तो सत्य बोलना स्वीकार कर सकते हैं, स्वयं तो हिंसा का भाव, लोभ का भाव, ईर्ष्या का भाव, काम का भाव, क्रोध का भाव, इनको तो नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। हर व्यक्ति यह नियंत्रण करने का प्रयास करे तो दुनिया, ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की क्या बात करूं, यह पृथ्वी ऐसी हो जाएगी जैसे भगवान श्री राम के समय में थी। इसलिए आए हम वेदादि शास्त्रों की बातों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। वेद तो ईश्वरी वाणी है, और उस ईश्वरी वाणी के आधार पर ऋषियों ने जो ग्रंथ रचे हैं उनकी एक एक बात बहुत प्रामाणिक है। ऐसे ही नहीं लिख दिया महादेव जी ने, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं धर्म के साथ यहां सत्य जोड़ता हूं, एक लक्षण लेता हूं कि सत्य में धर्म एव हतो हंति, सत्य में वह हतो हंति, सत्यो सत्यो रक्षति रक्षिता। ये सत्य का हम गला दबाएंगे, सत्य प्राणियों का गला दबा देगा, और सत्य को हम रक्षा करेंगे सत्य की, तो वही सत्य धर्म हम सबकी रक्षा करेगा। आशा है आप इस विचार को
अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे। और ऐसा कोई एक बात और कह दूं, जो ये सोचते हैं, वेद में एक मंत्र है, सत्येनोत्तभिता भूमि, सत्य पर भूमि टिकी है। इस पर भी मैंने विचार किया, भूमिकार जिसमें भूत रहते हैं, प्राणी रहते हैं, अर्थात असत्य सत्य हो जाएगा तो इस पर प्राणी समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन सब झूठ ही बोलने लग जाएंगे, आज भी झूठ से सत्य ज्यादा बोला जाता है। दुकानदार झूठ बोलता है लोभ के लिए, लेकिन पूरा झूठ बोले तो दुकान नहीं चलेगी। कोई ग्राहक आवे पूछने लगे कि बेड टॉर्च है, होगी तो कह देगा नहीं है, और नहीं है तो कह देगा है। ऐसा झूठ बोले तो क्या दुकान चलेगी? तो जो दुकान चल रही है वो सत्य से चल रही है, और जो भी अपराध हो रहा है, जो दुकान का नाश हो रहा है, जो उसके आत्मा अंतकरण का नाश हो रहा है, जो ब्रह्मांड का विनाश कर रहा है, वो झूठ से कर रहा है। माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, मित्र मित्र, पति पत्नी, सभी झूठ बोलने लग जाए, एक भी बात सत्य नहीं बोले तो आप एक दिन नहीं रह सकते। बेटा माँ के पास आवे और भूख लगी है तो माँ कहे कि तेरे को भूख लगी है, तो कहे नहीं लगी है तो रोटी नहीं देगी, क्या चलेगा? अथवा माँ कहते रोटी होगी तो आज नहीं बनाई, तो क्या चलेगा? तो जो भी संसार चल रहा है, सत्य नोत्तभिता भूमि, भूमि जो भी टिकी है वो उस व्यवहार पर टिकी है जो व्यवहार सत्यमय है। और भूमि में जो भी दुख है, प्राणियों को जो भी दुख हो रहा है, वो उस व्यवहार से हो रहा है जो हम प्राण, हम मनुष्य लोग झूठ बोल रहे हैं। सारे प्राणियों के नाश के उत्तरदायी हम झूठे मनुष्य हैं, जो अपने को बहुत बुद्धिमान मन समझते हैं, जो अपने को वैज्ञानिक समझते हैं, जो अपने को प्रगति समझते हैं, जो अपने को बड़े बड़े नेता समझते हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं, वो संपूर्ण पर्यावरण के विनाश के वे ही उत्तरदायी है। सब प्राणियों के दुख दारिद्र के वे ही उत्तरदायी है, सभी रोगों के वे ही उत्तरदायी है, और जितना भी चल रहा है उसके लिए उत्तरदायी उनका सत्य है। काश हम सब केवल और केवल सत्य बोले तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़े। आधार कार्ड, कई कार्ड, पता नहीं क्या क्या, जन्मो तो प्रमाण पत्र, मरो तो प्रमाण पत्र, विवाह करो तो प्रमाण पत्र, तलाक दो तो प्रमाण पत्र, ये क्या, स्कूल जाओ तो प्रमाण पत्र, जाति के प्रमाण पत्र, मजहब के प्रमाण पत्र, और जन्म मूल निवास प्रमाण पत्र किस लिए? क्योंकि किसी का किसी पर विश्वास नहीं है। मैं कह दूं कि मैं भागल भीम का रहने वाला हूं, मुझे मानेगा कौन, इसलिए आधार कार्ड चाहिए। मैं कह दूं मेरी आय इतनी है, मानेगा कौन, मुझे तहसीलदार से सर्टिफिकेट चाहिए। इस सर्टिफिकेट की बीमारी क्यों आई? बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने की बीमारी क्यों आई? क्योंकि हम झूठे हो गए, किसी का किसी पर विश्वास नहीं हुआ। जब एक दूसरे का विश्वास लोग करने लग जाएंगे, जब सत्य बोलेंगे तो एक दूसरे का विश्वास होगा, बहुत सारा ये तामझाम खत्म हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए सार रूप में दुनिया में जो भी सुख बचा है वह सत्य का, सत्य के कारण है, और दुनिया में जो भी दुख पैदा हुआ है वह असत्य के कारण है। और भी कारण है जिनकी चर्चा बाद में करेंगे, उन कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है असत्य, जिससे समूचा ब्रह्मांड प्रभावित है, दुष्प्रभावित है। आए हम विचारें और अपने को बुद्धिमान प्राणी सिद्ध करें। हम अभी मूर्ख प्राणी सिद्ध हो रहे हैं, पशुओं से भी गए बीते, पशुओं से भी गिरे हुए, पशुओं से पतित भ्रष्ट। बताइए जो झूठ बोलता है वो भ्रष्ट होगा कि जो सत्य बोलता है वो भ्रष्ट होगा? भैंस झूठ नहीं बोलती, सत्य बोलती है। भूख लगती है तो चिल्लाती है, पानी प्यास लगती है तो चिल्लाती है, सिर हिलाती है, चारा मांग रही है, वो झूठ नहीं बोल रही, झूठे संकेत नहीं कर रही। हम झूठे संकेत करते हैं, झूठ बोलते हैं, आंख से झूठे इशारे करते हैं, वाणी से झूठ बोलते हैं, हाथों से झूठे संकेत करते हैं, व्यवहार में झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं,
इसलिए मनुष्य सबसे धरती का सबसे भ्रष्ट प्राणी हो गया। आओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया था कि यह प्राणी सभी प्राणियों का पालन करेगा, लेकिन आप तो सबके विनाशक बन गए, सबसे मूर्ख सिद्ध हो गए। ईश्वर हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम सत्य में जीवन जीना शुरू करें, और कहें सत्य में वे ईश्वरोलोके, सत्य हमारा ईश्वर है, सत्य हमारा यज्ञ है, सत्य हमारा तप है, सत्य हमारा परम लक्ष्य है। तो मैं भी सुखी, आप भी सुखी, संपूर्ण समाज सुखी, संपूर्ण देश सुखी, संपूर्ण विश्व सुखी, और संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले बुद्धिजीवी प्राणी सुखी। ईश्वर करे हम सबके अंदर सत्य मत का ऐसा अंकुर पैदा कर दे जो विशाल वृक्ष बन करके जिसकी शीतल छाया में संसार के सभी मनुष्य और प्राणी रह सकें। ओम शांति।